हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सामान्य ज्ञान के सैम्पल क्वेश्चंस, जो कि आपका लोअर पीसीएस और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ का फॉर्म आने वाला है वो, और यूपी पीसीएस का भी जो फॉर्म आपका अप्रैल में ही आने वाला है वो, उस तीनों में ही काम आएंगे अभी से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8-9 अक्टूबर 2018 के मध्य भारत और पश्चिम अफ्रीकी देशों के संगठन इकोवास के मध्य परियोजना साझेदारी पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में इसका मतलब है मध्य परियोजना साझेदारी, मतलब मिडल प्रोजेक्ट पार्टनरशिप। ठीक है, ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ है अबूजा नाइजीरिया में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है अबूजा नाइजीरिया में, और इस जो सम्मेलन था ये, इसका जो आयोजन है वो किया था CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ने इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान किस समाचार पत्र का संपादन किया। तो जब महात्मा गांधी गए थे, माइग्रेट हुए थे, जर्नी की थी उन्होंने अफ्रीका की, तो वहाँ पर उन्होंने कौन से पेपर को एडिट किया, एडिटिंग की कौन सी समाचार, मतलब न्यूज़पेपर की। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इंडियन ओपिनियन। 1915 में भारत आगमन के पश्चात, पहले वहाँ पे 1903 में उन्होंने इसका संपादन किया था, लेकिन 1915 में जब वो वापस आए तो उसके पश्चात उन्होंने 1919 से लेके 1931 के मध्य तक समाचार, यहाँ पे मतलब इंग्लिश में न्यूज़पेपर था एक, यंग इंडिया, उसका संपादन किया था। उसके अलावा गुजराती में उन्होंने हरिजन बंधु और हिंदी में उन्होंने हरिजन सेवक, इन न्यूज़पेपर्स का भी संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पश्चिम अफ्रीकी देश की सीमा दक्षिणी अटलांटिक महासागर को नहीं छूती है। तो जो कंट्री है, मतलब कौन सी वेस्टर्न अफ्रीकी कंट्री जो है वो सदर्न अटलांटिक ओशन को टच नहीं करती है। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माली। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों, दो सूची दे रखी हैं। ठीक है, एक संधि है, एक वर्ष है, तो कौन सी संधि कौन से वर्ष में हुई है, आपको ये मैच करना है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो है संधि, पहले मैं आपको बता दूँ संधि का मतलब है ट्रीटी। तो मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है वो हुई है आपका डी, 1769 में। उसके बाद जो आपकी है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वो हुई है सी, 1784 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ वो हुई है आपका 1787 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है वो हुई है आपकी 1792 में। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए, ठीक है, वर्ष 2018 के लिए घोषित जो नोबेल पुरस्कार हैं उनके बारे में जो बात लिखी है वो उसमें से कौन सी सही नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सी सही है या नहीं है उसमें बताना है। तो उसमें कौन सी सही है बताना है। फर्स्ट है आपका 2018 में 12 नए व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये सही है। वर्ष 2018 में साहित्य श्रेणी में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। साहित्य मतलब, साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर। लिटरेचर में कोई भी जो नोबेल पुरस्कार है वो नहीं दिया गया है, ठीक है, इस बार। उसके बाद है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस अर्नाड को दिया गया है। तो रसायन है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है फ्रांसिस अर्नाड को, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है ऋणात्मक प्रतिरोधक क्षमता नियामन, मतलब नेगेटिव इम्यून रेगुलेशन, ठीक है, ये इसके माध्यम से कैंसर उपचार की थेरेपी के लिए चिकित्सा का जो नोबेल है वो के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया, मतलब मेडिसिन का नोबेल जो है इस खोज के लिए दिया गया है। तो ये करेक्ट, ये भी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि इसी जो चिकित्सा के लिए नोबेल दिया गया है, ये दिया गया है जेम्स पी एलिसन को, जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, और एक तासुको होंजो को, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन दोनों लोगों को दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किन संस्थानों का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो बताना है आपको किस संस्था का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। फर्स्ट है नीति आयोग, उसके होते ही हैं, राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण, इसके भी होते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके भी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु मतलब होता है IISc बेंगलुरु, ठीक है। इसके वैज्ञानिकों ने हाल ही में जस्ता फेराइट लेपित चुंबकीय नैनो मोटर्स मतलब कि जिंक फेराइट प्लेटेड मैग्नेटिक नैनो मोटर्स जो है वो डेवलप की हैं, ठीक है। वो किस बीमारी के लिए उपयोगी है वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के लिए उपयोगी है, ठीक है, जिंक फेराइट प्लेटेड मैग्नेटिक नैनो मोटर्स। और इसके लिए जो रिसर्चर हैं डॉक्टर अम्बरीश घोष, ठीक है, डॉक्टर अम्बरीश घोष, उनको जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में बताना है कि PMJAY नाम से है, इसके बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। इसमें गरीबों हेतु निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है, सही है। इसमें कैशलेस व पेपरलेस चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी और यह सुविधा सरकारी व निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों में उपलब्ध है, ये भी ठीक है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी स्वतः इस योजना में सम्मिलित हो जाएंगे, ये भी ठीक है। और लागत धनराशि इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में आ जाएगी, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण वाली बात ठीक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO का 71वां चक्र जो है निम्नलिखित में से सामाजिक सुरक्षा में किन बाधाओं पर प्रकाश डालता है। तो देश में लोगों द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में अधिक खर्च किया जा रहा है और है 86% जो ग्रामीण है और 82% जो नगरीय जनसंख्या है किसी स्वास्थ्य बीमा में शामिल नहीं है। तो जो NSSO है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो चक्र है 71वां, वो इन दोनों ही बातों पे जो है प्रकाश डालता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कदम पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत में नारी और शोषण के खिलाफ मीटू अभियान शुरू हुआ है, हाँ करेक्ट है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिकतर मामलों में पुरुष द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो मैं नीचे से बताती हूँ, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण में हुआ था, ये सही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण में जो कि 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये ठीक है। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकरण बैंक की संख्या है राष्ट्रकृत की 19, ठीक है। लेकिन जो आपका करेक्ट ए ऑप्शन दे रखा है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में काल में शुरू हुआ, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था वो राजीव गांधी जी के उसमें नहीं हुआ है प्रधानमंत्रित्व में, ये हुआ है आपका इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व में, मतलब जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब ये हुआ था 19 जुलाई 1969 में। उस वक्त 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसके बाद जो है जो पहले हुए थे उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा था, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, ये सब थे। उसके बाद जो है 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का हुआ था, ठीक है। और 1993 को पंजाब नेशनल बैंक जो है वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया था, मतलब अधिग्रहण हो गया था, और इसलिए जो वर्तमान में 19 बैंक हैं। नेक्स्ट है, मालदीव का विकास विकृत किसका शासन था मालदीव पे। तो मालदीव पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है बी, मालदीव पे ब्रिटिश का शासन था। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है मालदीव जो है भारत व श्रीलंका के बौद्ध नाविकों द्वारा बसाया गया था, लेकिन बाद में जो है 1887 में ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य हो गया था, ठीक है। लेकिन मालदीव का जो मतलब स्वतंत्रता समझौता हुआ था ब्रिटेन से 26 जुलाई 1965 को, ठीक है, ब्रिटेन से हुआ था स्वतंत्रता समझौता, तो उसके हस्ताक्षर के बाद जो हुआ मालदीव जो है स्वतंत्र हो गया है, ठीक है। लेकिन पहले शासन ब्रिटिश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत स्वराज जो है सेल्फ गवर्नमेंट का क्या तात्पर्य है। स्वराज का मतलब है कि हर चीज़ से मुक्ति, ठीक है, विदेशी सत्ता हो चाहे राष्ट्र सत्ता हो, सारी सत्ताओं से मुक्ति। तो
करेक्ट ऑप्शन विदेशी सत्ता से मुक्ति सही है, राष्ट्रीय सत्ता से मुक्ति सही है, अपने ऊपर शासन। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मतलब सही से कौन सा मिला हुआ है। तो पहला है अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट जो है आपका अनटू द लास्ट है आपका, जो अनटू द लास्ट नॉवल है वो रस्किन बॉन्ड का है। ठीक है, अनटू द लास्ट रस्किन बॉन्ड का है, रस्किन बॉन्ड लिखा हुआ है सेकंड में। सेकंड है द पावर ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, द पावर ऑफ गॉड इज़ विद इन यू का है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, और थर्ड है हिंद स्वराज के महात्मा गांधी। और करेक्ट जो मिला हुआ है मिल्कमैन, ठीक है, अना बर्न, इनको वो भी मिला था मैन बुकर अवार्ड 2018 के लिए, मिल्कमैन के लिए अना बर्न को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सत्य कथन बताने आपको। तो 1830 ईस्वी में ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया उनको, और ठीक है, और दूसरा है 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रथम विधि सदस्य नियुक्त होकर भारत आए, और तीसरा है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम और शासकीय भाषा बनाया। तो ये तीनों ही चीज़ें करेक्ट हैं थॉमस बैंगिंगटन मकाले के बारे में, 1800 से 1859 तक रहे हैं ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी निबंधकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2018 में किस चक्रवात के कारण भारत के पश्चिमी तट पर मौसम विभाग IMD ने चेतावनी जारी की थी? तो IMD है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और चक्रवात मतलब साइक्लोन, कौन सा साइक्लोन की जो है चेतावनी दी थी, तो उसका नाम है सागर। ठीक है, साइक्लोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो किस मंत्रालय में आती है, मतलब किस मिनिस्ट्री में? करेक्ट ऑप्शन है गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची दे रखी है, ये संहिता दे रखी है अलग अलग, उनको मैच करना है ईयर से। ठीक है, तो पहला है भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पैनल कोड जो है वो 1862। ठीक है, सेकंड है दंड प्रक्रिया संहिता मतलब कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो 1973, और थर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, जिसका मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये है 1872। तो ये करेक्टली लिखे हुए हैं 1, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश बताना है, तो उसका मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर डी कनाडा। ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का जो रिकॉर्ड होता है फैक्ट बुक, उसके अकॉर्डिंग जो कनाडा की समुद्री तट रेखा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है लंबी, ठीक है, 2,02,080 किलोमीटर है। उसके बाद जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे है, सेकंड पे इंडोनेशिया है, थर्ड पे ग्रीनलैंड है, फोर्थ पे रूस है, फिफ्थ पे फिलीपींस है। लेकिन अगर भारत की लेंगे हम, वो तो वर्ल्ड की हो गई, तो भारत की जो लेंगे उसमें गुजरात की सबसे लंबी है 1,215 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने राज्यसभा में सदस्य के रूप में पद धारण किया था? तो जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, सभी ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही पद धारण किया था, इंदिरा गांधी ने, इंद्र कुमार गुजराल ने और HD देवेगौड़ा ने। ठीक है, इसके अलावा एक और थे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने किया था, वो मतलब है मनमोहन सिंह, उन्होंने पद ग्रहण जो है राज्यसभा के मेंबर रहते हुए प्रधानमंत्री पद को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध केवरा या मेयो नमक की जो खदान है वो किस देश में है? ठीक है, तो जो मेयो नमक की खदान है वो है पाकिस्तान के झेलम प्रांत के हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान में मेनली, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस खान का जो नाम है वो लॉर्ड मेयो थे उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करते हुए नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सत्य और कथन का चयन करना है। विश्व में चीन जो है सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश है, ये सही है, और विश्व में नीदरलैंड सबसे बड़ा नमक आयातक देश है, ये गलत है।
चीन तो उत्पादक देश है, सब सही है। इसके बाद अमेरिका व भारत इस क्रम में आते हैं, ठीक है। और एशिया में नमक का सबसे बड़ा आयातक जो है वो जापान है, जापान है, नीदरलैंड नहीं है। किस विमान हादसे में रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन गैगरिन की मृत्यु हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मिग 15 ट्रेनिंग में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इनका जन्म ये जो है यूरी गैगरिन जो है विश्व के प्रथम ऐसे व्यक्ति बन गए बने थे जिनके जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था, ठीक है। 12 अप्रैल 1961 को जब 27 वर्ष के थे तब इन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था, और ये गए थे वोस्टॉक 1 में, ठीक है, वोस्टॉक 1 विमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियासत और इसके नवाब को मैच करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका, पहला है जोधपुर के थे हनवंत सिंह, ऑप्शन डी। सेकंड है जूनागढ़ के थे आपके मोहम्मद महतब खांजी तृतीय, तो थर्ड है कश्मीर के थे हरी सिंह, और फोर्थ हैदराबाद के थे ऑप्शन बी उस्मान अली खान बहादुर, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन थे आपके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1991 का भारत रत्न सम्मान नहीं प्राप्त हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला था, और इनके अलावा जिन्हें मिला था 1990 में वो थे नेल्सन मंडेला, उनको मिला था, ठीक है। और 1991 में जो है भारत रत्न 2 को मरणोपरांत मिला था और 1 को प्रत्यक्ष मिला था, ठीक है। और इसमें मरणोपरांत जो मिला था वो पहले प्राप्त करने वाले थे मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, उन्हें 1966 में मिला था, 1966 में मरणोपरांत मिला था, पहले थे जिन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है दिवसों को मैच करना, पुरुष को उनका जन्मदिवस से मैच करना है, ठीक है। तो पहला है जयप्रकाश नारायण, करेक्ट, उनका बर्थडे होता है 11 अक्टूबर को, ठीक है, जयप्रकाश नारायण का 11 अक्टूबर। उसके बाद 1902 APJ अब्दुल कलाम जी का होता है 15 अक्टूबर ईयर है आपका इनका 1931, ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में। थर्ड है आपका सरदार पटेल 31 अक्टूबर 1875, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर, ठीक है। तो इनका होता है 25 सितंबर को इनका ईयर, हाँ 1916 को, 25 सितंबर 1916। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम का जन्म मथुरा में हुआ था, और इनके नाम पे मुगल सराय जो है वो नाम चेंज हो के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है अभी रिसेंट में, ठीक है। और सरदार पटेल के नाम पर जो है उनका दिवस भी है, राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद बैंक की प्रथम विदेशी शाखा किस देश में खोली गई? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग में प्रथम शाखा उसकी जो है शाखा खोली गई थी, ठीक है, 2007 में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच किसके काल में बिछाई गई थी? तो उसका करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, मैक्सिमम लोगों को पता होगा ये। नेक्स्ट है कारखाना बताना है और कारखाना का ईयर बताना है, कौन से ईयर में मतलब स्थापना हुई थी। तो पहला है डीजल कलपुर्जा कारखाना, मतलब कि डीजल कॉम्पोनेंट वर्क, तो डीजल कॉम्पोनेंट वर्क हुआ है 24 अक्टूबर 1881 में, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। सेकंड है चितरंजन लोकोमोटिव जो है इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के चितरंजन में की गई थी, और इसका करेक्ट ऑप्शन है 1950 में, ठीक है। थर्ड है आपका 16 जनवरी 1950। थर्ड है रेल कोच फैक्ट्री कौन से ईयर में हुई थी? तो 1885 में कपूरथला में, ठीक है, नींव रखी गई थी 17 अगस्त 1885। और फोर्थ है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 23 अप्रैल 1956, ठीक है, इसकी नींव जो है रखी थी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ियों की टक्कर रोक, इनमें बताना है आपको, विचार करना है इन पे। रेलगाड़ियों की टक्कर रोकने के लिए टक्कर रोधी उपकरण ACD एंटी कोलिजन डिवाइस लगाए जाते हैं। सेकंड है यह नेटवर्क ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS के अनुसार कार्य करता है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा, तो उन्होंने जो है अनुच्छेद 32 को, ठीक है, आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 को इन्होंने जो है आत्मा कहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री कौन थे, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर 1926 से 34 तक रहे थे सदस्य आपका बम्बई विधान परिषद के, ठीक है, और 42 से 46 तक गवर्नर जनरल की उन्होंने कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी वर्ष कब हुई है, तो 13 अप्रैल 2018 को उसकी शताब्दी वर्ष हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो कब लागू हुआ था, करेक्ट ऑप्शन है ए 8 मार्च 1919 को, काफ़ी लोगों को पता ही होगा ये चीज़। तो ये करेक्ट, ये आपके कुछ क्वेश्चंस है सैम्पल क्वेश्चंस, उसका पार्ट वन था जो कि आपको तीनों एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, लोअर PCS में, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO और UPPCS का जो फॉर्म आने वाला है उसमें, ठीक है। और बाकी भी जितने GS से रिलेटेड आपके एग्जाम्स होंगे उन सब में काम आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तभी मैं और वीडियोस बना पाऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रिलेटेड वीडियोस के लिए, इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं हिंदी में ही, ठीक है, लोअर PCS के लिए बनाई थी वो, लेकिन अब अगर वो वाली वीडियोस देखेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसमें भी काम आएगा UPPCS में, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।